दोस्तों, अगले कुछ घंटों बाद उत्तर प्रदेश का मौसम जो है बदलने वाला है पूरी तरह से, क्योंकि नया ताकतवर पश्चिम विक्षोभ पहाड़ी राज्यों पर आज शाम रात्रि के समय दस्तक देने वाला है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के भागों पर एक ट्रफ बनेगी और सर्कुलेशन उत्तरी पंजाब के भागों पर बनने वाला है, जिसकी वजह से 13 अप्रैल से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य भागों तक मौसम का मिजाज जो है वो बदलने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद धामा और आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश वेदर पर। आइए वेदर सिस्टम समझते हैं। एक पश्चिम विक्षोभ है दोस्तों, काफी तेजी के साथ पहाड़ी राज्यों की तरफ पहुंच रहा है। आज रात्रि में ये पहाड़ी राज्यों पर आ जाएगा, दस्तक दे देगा और कल से यानी कि दोपहर से और शाम तक के समय में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर तेज हवाएं चलने की संभावना है। धूल भरी तेज हवाएं चल सकती है कुछ भागों पर और रात्रि के समय या कुछ इलाकों पर मेघ गर्जन के साथ बारिश देखने को मिल सकती है और ये बादल जो है लखनऊ सीतापुर तक भी जो है देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भी कुछ भागों पर तेज हवाएं चलने के आसार हैं और मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश होने की वजह से दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कुछ भागों पर मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना जो है वो नजर आ रही है। और इस पश्चिम विक्षोभ के कारण दोस्तों 15-16 अप्रैल तक हम बोल सकते हैं कि 15 अप्रैल तक की उत्तर प्रदेश के कई भागों पर इसके कारण यानी कि तेज हवाएं चलना, मेघ गरजना और कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना जो है दोस्तों वो बनी रहेगी। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम देखते हैं कि 13 अप्रैल से उत्तर प्रदेश पर किस तरह से मौसम बदलेगा, किन किन भागों पर बारिश होने की संभावना हमें नजर आ रही है। तो दोस्तों, ये 13 अप्रैल की वेदर रिपोर्ट है और 13 अप्रैल में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिये मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, इटावा, जालौन, झांसी से बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, संभल, मुरादाबाद, हापुड़, बिजनौर के कई भागों पर यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोपहर के बाद शाम के समय तेज हवाओं का झोंका जो है काफी अच्छा तेज आएगा। धूल भरी तेज हवाएं कई भागों पर चलेंगे और उसके पीछे पीछे बादल आएंगे और बादल आने के कारण यहाँ पर कई भागों पर रात्रि के समय हम बोल सकते हैं, हो सकता है कुछ भागों पर शाम के समय हो जाए, लेकिन रात्रि में संभावनाएं जाते हैं कि यहाँ पर कुछ भागों पर मेघ गर्जना और बारिश होने की संभावनाएं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन भागों पर नजर आ रही है। और रात्रि तक वे जो बादल हैं दोस्तों कानपुर, लखनऊ, सीतापुर के आसपास के भागों पर यहाँ पर भी पहुंच जाएंगे और अयोध्या, प्रताप, प्रयागराज यहाँ तक भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भी हो सकता है कुछ भागों पर तेज हवाएं चले और मेघ गर्जना के साथ बारिश। और अब जो मध्य प्रदेश के भागों पर दोस्तों जो बारिश हो रही है उसकी वजह से कुछ बादल बांधा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी के आसपास के भागों पर दिखेंगे। यहाँ पर भी इन भागों पर कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी इन इलाकों पर जो है देखने को मिल सकती है। जबकि महाराजगंज से सीतापुर और जो उत्तराई वाले भाग है यहाँ पर यानी कि बलिया, गाजीपुर, यहाँ पर लगभग मौसम साफ बना रहने की संभावना है, यहाँ पर कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन कुछ भागों पर बादलों की आवाजाही यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश के भागों पर कल से मौसम में जो बदलाव है वो आने की संभावना जो है वो नजर आ रही है। और 14 अप्रैल में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर तेज हवाएं, मेघ गर्जना, बारिश होने की संभावना बनी रहेगी और दक्षिणी उत्तर भागों पर भी, मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश रहेगी। तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी होने के आसार हैं और कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज, सुल्तानपुर के आसपास के भागों पर भी बादल छाए रहेंगे। कुछ भागों पर यहाँ पर भी वेदर एक्टिविटी से इनकार नहीं किया जा सकता। और इसी प्रकार दोस्तों 15 अप्रैल में भी पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बादल रहेंगे, दक्षिणी पूर्वी भागों पर यहाँ पर बादल रहेंगे, लेकिन तराई वाले भागों पर मौसम साफ बना रहेगा। इन भागों पर कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी होने की संभावनाएं हैं। और फिर जो है लगभग दोस्तों हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर 16 अप्रैल से उत्तर प्रदेश का मौसम साफ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर दोस्तों 19 अप्रैल में एक और नया पश्चिम विक्षोभ भारत के पहाड़ी राज्यों पर आएगा, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के कई भागों पर फिर से बादल छा जाएंगे, कई भागों पर तेज हवाएं चलेंगी और मेघ गर्जना होने के साथ बारिश देखने को मिल सकती है। तो जैसे जैसे अपडेट आते रहेंगे आप सभी को जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ उत्तर प्रदेश भाइयों फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।